हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। दुनिया भर में सभी महिलाएं ब्रा पहनती हैं, पर महिलाएं ब्रा का सही चयन नहीं कर पाती, बस इसलिए कि वे ब्रा खरीदने के नियम नहीं जानती। सही और फिट ब्रा खरीदना कोई कठिन काम नहीं है। जी हाँ, इसमें थोड़ा समय जरूर लग सकता है, परंतु यह असंभव नहीं है। आज हम आपको ब्रा खरीदने के उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आप सही ब्रा का चयन कर सके। किस तरह की ब्रा चुनें? आजकल बाजार में कई कंपनियों की ब्रा उपलब्ध हैं। यदि आप अपने स्तनों को थोड़ा बड़ा दिखाना चाहती हैं, तो पैडेड ब्रा सबसे अच्छा विकल्प है। यदि आप एक्स्ट्रा स्पोर्ट के लिए ब्रा खरीद रही हैं, तो अंडरवायर ब्रा अच्छा विकल्प है। यदि आप स्पोर्ट्स, जिम और अन्य एथलेटिक गतिविधियों के लिए ब्रा खरीदना चाहती हैं, तो आप स्पोर्ट्स ब्रा खरीद सकती हैं। एक बार जब आप निर्णय ले लेती हैं कि आपको कौन सी ब्रा खरीदनी है, तो आप सही ब्रा ले सकती हैं। अच्छी शॉप से खरीदे ब्रा। ब्रा खरीदने से पहले आप सही शॉप का चयन करें। अच्छा होगा आप किसी कंपनी की ब्रा खरीदे। यदि आप ब्रा के ब्रांड, साइज और प्रकार के बारे में निश्चिंत हैं, तो ही इसे ऑनलाइन खरीदें। आराम से सांस ले सकें। ऐसी ब्रा पहनें जिसमें आप ठीक तरह से सांस ले सकें और टाइट ना हो। यदि आप ठीक तरह से सांस नहीं ले पा रही हैं, तो हो सकता है कि ब्रा बहुत टाइट कसी हुई हो, स्तन बाहर निकले हुए न दिखें। ब्रा का साइज ऐसा हो जिसमें आपके स्तन बाहर निकले हुए ना दिखें। ब्रा की लेस सरके नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी ब्रा आसानी से सरके नहीं। यदि ऐसा होता है, तो कंधे की स्ट्रिप्स को एडजस्ट करें। और यदि ऐसा करने से भी बात नहीं बनती और ब्रा की स्ट्रिप्स सरक जाती हैं, तो संभवतः ये लूज हैं। इसके लिए आप अच्छी लेस और अच्छा साइज का ब्रा लें। झुक कर देखें, आगे की ओर झुकें और देखें कि क्या आपके स्तन बाहर की ओर निकल रहे हैं। यदि ऐसा है, तो यह ब्रा आपके लिए फिट नहीं है। ब्रा अपनी जगह पर बनी रहे। बाईं ओर मुड़े और फिर दाईं ओर मुड़े और देखें कि ब्रा अपनी जगह पर बनी रहती है अथवा नहीं। पैनल फैब्रिक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की ब्रा का चुनाव करती हैं। ध्यान रहे कि पैनल का फैब्रिक उरुस्थी पर टिका रहे, ब्रा से पसीन ना आए। ब्रा हमेशा अच्छे कपड़े वाली खरीदे, जिससे पसीने ना आए और एलर्जी ना हो।